दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। जालंधर के नूर महल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार 15 दिनों के भीतर करवाने के हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आश्रम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां एक तरफ पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला है, वहीं डेरा अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। गौरतलब है कि डेरे द्वारा पिछले 10 महीने से यही कहा जा रहा है कि महाराज गहन समाधि में है, जबकि आशुतोष महाराज को अपना पिता बताने वाले दिलीप झा और महाराज के पूर्व ड्राइवर पूर्ण सिंह के अनुसार महाराज की मृत्यु हो चुकी है और वे चाहते हैं कि महाराज के शरीर का पोस्टमार्टम करवाया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच भी करवाई जाए, जबकि कोर्ट ने उनकी पोस्टमार्टम और सीबीआई की जांच वाली मांग को ठुकरा महाराज का 15 दिनों के अंदर संस्कार कराने का हुक्म दिया है। फिलहाल नकोदर के डीएसपी सतीश मल्होत्रा के अनुसार डेरे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। अभी आपको मालूम है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है, अभी उस ऑर्डर की कॉपी वगैरह जो है हम ले रहे हैं, तो ऑर्डर को पूरा स्टडी किया जाएगा। जो ऑर्डर होगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, उसकी पालना की जाए। सुरक्षा के लिए हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और हम इस हर बात पे हम पूरे कॉन्शियस हैं। तो जैसे हमने अपने तरीके से वो सभी जो ड्यूटियां हैं, जो अरेंजमेंट है, हमने किए हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया कल भी गया था, मीडिया आज भी गया है। कुछ प्रिकॉशंस लिए हुए हैं उन्होंने भी, कोई ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए है। तो आज भी मीडिया गया है और हमारी पुलिस पार्टी भी उनके साथ गई है, तो भी क्योंकि वो रोड है तो उस पर जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ना तो श्रद्धालुओं को रोका जा रहा आने से, और वो आ रहे हैं दर्शन, जो आते हैं डेरे में फिर वापस जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि ऑर्डर की कॉपी मिलेगी और उसको स्टडी करेंगे, और जो कमेटी पंजाब, मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है, तो वो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसके मुताबिक ही इनको साथ लेकर तो उसके अनुसार ही काम करेंगे।